वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर होस्ट पंकज शर्मा और जीएमटी ब्लॉगर्स। तो ये नई वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने हार्डवेयर आपको पढ़ाया था, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बताया था। तो अभी जो है मैं आपको कीबोर्ड और माउस को किस तरीके से हम यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोज़ मिलेंगी आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्ट लाइव में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम विंडो को यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो अभी के लिए आप कीबोर्ड और माउस की थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या किस की को हम क्या बोलते हैं, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा देखिएगा वीडियो को जिससे कि आप अच्छी तरह से अच्छे प्रकार से समझ पाए। तो पहली जो ये दो इमेज दिख रही हैं आपको, ये फुल कीबोर्ड बोला जाता है इसको, और ये माउस है। इसमें जो माउस में आपको जो ये दिख रहे हैं, ये जैसे ये स्क्रॉल व्हील, ये लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और ये बॉडी। तो ये जो लेफ्ट क्लिक है, यहाँ पर दो क्लिक होते हैं माउस के अंदर, एक साइड लेफ्ट साइड क्लिक होता है, एक राइट साइड क्लिक होता है। तो लेफ्ट साइड वाले जो क्लिक है उसको लेफ्ट साइड वाला क्लिक बोलते हैं और राइट साइड वाले को राइट साइड वाला क्लिक बोलते हैं। स्क्रॉल व्हील, एक बीच में व्हील होता है, व्हील को हम अप या डाउन मूव करा सकते हैं, या तो हम किसी पेज को ऊपर नीचे मूव कर रहे हों, या फिर हो सकता है कोई हम इमेज को में जूम कर रहे हों, या गूगल पे कोई एप्लीकेशन ब्राउज कर रहे हो हम कुछ, या इंटरनेट चलाते हैं, तब पेज को ऊपर नीचे करने के काम में आता है ये। माउस का तो ये काम है, बाकी माउस को मूव कराने के लिए चारों तरफ इसको हिलाते हैं तो ये चारों तरफ मूव हो जाता है। जैसे जैसे ये यहाँ पे पैटर्न में मूव होता है वैसे ही स्क्रीन पे भी मूव होता है। लास्ट में छोटा सा क्लिप भी आपको उसमें ऐड करके दिखा दूंगा कि माउस कैसे यूज होता है। इसी के जस्ट थोड़ा सा टाइम बाद आपको छोटा सा क्लिप मिल जाएगा, उसमें मैं दिखाऊंगा माउस कैसे मूव करता है। तो अभी बात कर लेते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, कीबोर्ड के जो जीए वाले जो बटन होते हैं ऊपर की साइड में, ये एफ एफ से जो स्टार्ट होते हैं, इन्हें फंक्शन कीज बोला जाता है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। विंडोज अगर आप जैसे यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग इसका अलग फंक्शन होता है। अगर कोई एप्लीकेशन आपने यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के हिसाब से वो फंक्शन कीज काम करती हैं। बाकी दूसरी जो ये रो है इसको सिंबल न्यूमेरिक रो बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंबल भी आते हैं और न्यूमेरिक नंबर भी आते हैं। न्यूमेरिक नंबर मतलब 1 2 3 4, ये नंबर भी आते हैं। और यहाँ पे नम पैड भी होता है, हमारे न्यूमेरिक पैड भी आप बोल सकते हैं इसे। इस साइड में नम पैड होता है। तो अच्छे से इसे मैं कलर कर देता हूँ जिससे कि आपको समझा दूंगा अच्छे से। ओके, बाकी ये फंक्शन की जो होती है ये थोड़ी सी कुछ फंक्शन, ये भी कुछ कीज फंक्शन करती हैं। जैसे हम पेज अप डाउन कर सकते हैं इससे, होम पे क्लिक करके हम होम पे जा सकते हैं, एंड कर सकते हैं इससे। ये डिलीट के लिए होता है ऑप्शन, ये इंसर्ट के लिए होता है। ओके, बाकी ऊपर के ये कुछ ये वाला जो बटन है, इससे हम स्क्रीन पे प्रिंट, अगर हम कोई स्क्रीन देख रहे हैं उसका अगर हम एक फोटो लेना चाह रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो उससे फोटो एक स्नैपशॉट क्लिक हो जाता है। बाकी ये स्क्रॉल लॉक बटन है, ये पेज ब्रेक बटन है। ओके, ये जो बटन है इसको बोलते हैं टैब, ये इसे बोलते हैं कैप्स लॉक। टैब का जो हम काम करते हैं, या तो एक स्पेस के लिए हम यूज करते हैं, या हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए हम इस टैब का बटन का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें मार्क भी हो रहा है कि एक एक साइड से आप दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरे टैब पे जा सकते हैं इससे। बाकी ये दूसरा बटन जो कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक से क्या करते हैं, जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो अगर हम कैप्स लॉक पे क्लिक कर देते हैं, कैप्स लॉक का फंक्शन ऑन हो जाता है, जितने भी हम टाइपिंग कर रहे हैं वो सभी कैपिटल लेटर में टाइप होता है। और कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो सभी जो भी लेटर हैं जो भी, वो सभी स्मॉल में टाइप होते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट का काम होता है जैसे आप इसमें यूज करते, कैप्स लॉक की तरह ही थोड़ा सा काम करता है ये। जैसे अगर शिफ्ट को आप क्लिक करके दबा के रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, और उसके बाद कोई लेटर पे आप प्रेस करते हैं, तो वो लेटर कैपिटल लेटर में
सो होता है। और आप कीबोर्ड जो शिफ्ट की है उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद सभी जो भी ये आपके अल्फाबेट्स हैं वो सभी नॉर्मल स्मॉल में टाइट होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जैसे यहाँ पे एक बटन है, सभी ये सभी बटन है, जैसे ये बटन है, इसके अंदर दो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं लिखा हुआ, एक टू भी लिख रहा है और एक एट द रेट भी लिखा हुआ है। तो अगर हम 1 2 3 नॉर्मल टाइप करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिक टाइप करना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ उस पे बटन पे क्लिक कर देंगे तो न्यूमेरिक टाइप हो जाएगा। अगर हमें वो स्पेशल कैरेक्टर या वो सिंबल अगर हमें वो टाइप करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ वो बटन दबाना होता है जिससे कि वो सिंबल टाइप हो सके। ओके बाकी ये कंट्रोल का बटन है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये कंट्रोल का बटन है, इसको विंडो की बोला जाता है, इसे ऑल्ट बोलते हैं, ये स्पेस बार है। स्पेस बार का यूज होता है स्पेस देने के लिए, अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसमें स्पेस देने के लिए, या अगर हम इंटरनेट पर कुछ ब्राउज कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं उसको पेज को ऊपर करने के लिए भी, अगर स्पेस आप प्रेस करेंगे तो पेज ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाता है, और वापस आपको अगर पेज करना हो तो शिफ्ट के साथ आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वापस आपका पेज ऊपर से आ जाते हैं। ओके ये कंट्रोल ऑल्ट सेम ही है दोनों, इधर साइड वाले जो होते हैं, इधर साइड वाले होते हैं उनको, एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूँ, इधर साइड वाले जो बटन है उनको कंट्रोल लेफ्ट साइड बोला जाता है, लेफ्ट कंट्रोल या लेफ्ट ऑल्ट, इस साइड वाले जो ये बटन है इनको राइट ऑल्ट या राइट कंट्रोल बोला जाता है। ओके मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, अब आगे के बटनों के बारे में बात करते हैं। ये जो बटन है ये अभी कीबोर्ड में काफी इतना ज्यादा देखने के लिए मिलता, कम मिलता है, इसके जगह भी फंक्शन की आ गया है, फंक्शन की भी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। एफ एन की बोला जाता है, फंक्शन की भी बोल सकते हैं आप, एफ एन की भी बोल सकते हैं उसे शॉर्ट में। ये राइट क्लिक का बटन है, इसमें अभी ये जो सिंबल है ये राइट क्लिक का सिंबल है, जो आप माउस से राइट क्लिक करते हैं उससे कर सकते हैं। ओके बाकी आपका ये एरो कीज हैं, ये एरो कीज हैं, आप एक आइकन से दूसरे आइकन में आप मूव करना हो, या आप कुछ आपने टाइप किया है, एक वर्ड लिख दिया है आपने, उसको मैं आपको कर्सर आगे पीछे करना होता है तो उसे हम इस एरो कीज के साथ कर सकते हैं। ये बैक स्पेस बटन है, बैक स्पेस बटन से क्या होता है, अगर हमने कुछ टाइप कर दिया है, अगर एक एक अल्फाबेट हमें डिलीट करना है तो वो हम बैक स्पेस से कर सकते हैं। सेम है डिलीट का भी होता है, डिलीट में क्या फंक्शन होता है, अगर हम बैक स्पेस से, जैसे हमारा कर्सर यहाँ चल रहा है, यहाँ पे हमारा कर्सर चल रहा है, यहाँ मैंने ये मार्क किया है, अगर हमें डी डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस डिलीट करेंगे, अगर हमें ए डिलीट करना है तो हम डिलीट से डिलीट करेंगे। ओके मतलब कि डिलीट फॉरवर्ड चलता है और बैक स्पेस बैकवर्ड चलता है, जैसे कि इसका नाम भी है बैक स्पेस। ओके ठीक है, अब एक ये पैनल भी आपको दिख रहा है, ये पैनल क्या काम करता है, ये पैनल हमें बताता है कि अभी कोई लॉक तो ऑन नहीं है, जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक अगर आपने ऑन कर दिया कि सभी लेटर सभी अल्फाबेट कैपिटल में टाइप हो तो यहाँ पे लाइट एक ब्लिंक करती है, अगर कैप्स लॉक है तो ऑन हो जाएगी, और कैप्स लॉक अगर ऑफ है आपने रिलीज कर रखा है तो वो बंद हो जाती है यहाँ से। सेम है जैसे नम लॉक के साथ भी है, अगर हमने नंबर ये पैड को यूज करना चाह रहे हैं नम पैड, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, इसको ऑन करना पड़ता है, इसे यहाँ से ऑन करते ही यहाँ पे नम लॉक में एलईडी ब्लिंक होती है, हमें पता पड़ जाता है कि नम लॉक हमारा एक्टिवेट हो गया है, फिर हम नंबर की यूज कर सकते हैं। ओके बाकी सेम इसका भी, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपको कैलकुलेटर में यूज होते हैं जैसे कि आप जानते भी होंगे। ओके ये एंटर की है, एंटर की आप कोई भी अगर फंक्शन ओपन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसको एंटर से आप ओपन कर सकते हैं, या आप डबल क्लिक करके लेफ्ट डबल करके, अगर और फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं, अगर कोई किसी भी हम बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर यूज करने में, क्लिक सिर्फ हम बोल रहे हैं तो उस क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक का, ज्यादातर लोग लेफ्ट क्लिक नहीं बोलते यार, बहुत कम ही लोग लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, बस सिर्फ क्लिक ही बोला जाता है शॉर्ट में। अगर स्पेशली अगर किसी चीज पर राइट क्लिक हम कर रहे हैं तो वहां पे हम राइट क्लिक बोल के बताते हैं कि हम इस चीज पे राइट क्लिक कर रहे हैं। ओके
तो ये आपको समझ में आ गया। एंटर से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं या किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं उस फाइल को। ओके, बाकी सेम आपका नंबर पैड ये आपको मैंने समझा ही दिया। बाकी ये क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका एबीसीडी वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे। तो अभी आपको मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये एबीसीडी सीधी सीधे क्यों नहीं लिखी गई है, ये सभी टेढ़ी इधर उधर क्यों लिख दी है, ए ऊपर, ए नीचे, ए बीच में कर दिया, बी नीचे कर दिया, डी बीच में कर दिया, आर ऊपर कर दिया, टी ऊपर कर दिया, ये ऐसे ऊपर नीचे क्यों किया है। तो ये ऊपर नीचे इसलिए किया गया है जैसे कि हम कोई टाइप चीज टाइप करते हैं तो इसमें जो अल्फाबेट्स लिए गए हैं, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं तो एक फॉर्मेट होता है हमारा टाइप करने का। हम यहाँ से डी एफ जी एच सॉरी एफ तक हम यहाँ पर रखते हैं, एच डी एफ जी और जे के एल और ये कॉलन, डबल कॉलन सॉरी डबल कॉलन पे हम ये उंगली रखते हैं अपने और फिर हम टाइप करते हैं। तो ये जो अल्फाबेट्स इनके पास में दिए गए हैं, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कि हम कहाँ जो हम क्लिक करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, ये चार बटन ये होते हैं और चार बटन ये होते हैं, इन पे हम उंगली रख के टाइप करते हैं जब भी कोई टाइपिंग करते हैं। एक मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही टाइपिंग करेंगे, और जैसे टाइपिंग सिखाई भी जाती है तो इन चार आठ बटनों पे हम फिंगर रखते हैं अपनी दोनों हैंड्स की। तो जैसे हम ये टाइपिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं तो वो उनको ऐसा रखा गया है कि जो अल्फाबेट ज्यादा यूज होते हैं वो आपकी उंगली के पास रहेंगे और जो अल्फाबेट कम यूज होते हैं वो थोड़ा इधर उधर रहते हैं। ओके ठीक है, तो बस इतना ही ये फंक्शन जो था कीबोर्ड का वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर आप सिंबल जो पढ़ना चाह रहे हैं कि किस सिंबल को क्या बोला जाता है, कि जैसे अगर आप एबीसीडी तो आप जानते होंगे, 1 2 3 भी आप जानते होंगे, बट सिंबल्स आपने शायद कभी नहीं पढ़े होंगे, या मैथ में थोड़ा बहुत आपने दो चार सिंबल्स हो सकता है पढ़े हों, उसके लिए मैंने आपके यहाँ पे एक पेज ऐड कर दिया है। इस पेज को आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस सिंबल को क्या बोला जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ये टिल्ड सिंबल है, ये टिल्ड सिंबल है, ये एट द रेट सिंबल है, ये हैस्ट सिंबल है, ये रेट का सिंबल है जो हमारे इंडियन INR को शो करता है, ये पाउंड का सिंबल है, ये यूरो का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल है, ये सेंट का सिंबल है, ये युआन का सिंबल है, तो ये परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ये डिग्री का सिंबल है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं मुझे। ओके तो नेक्स्ट कुछ स्लाइड और है, मैं वो भी दिखाई देता हूँ आपको, ज़्यादा लंबा भी नहीं कर रहा मैं वीडियो को, बस एंड करने वाला हूँ। ये कुछ आपके लिए शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे दी हुई है जो कि ये टेक्स्ट एडिटिंग में नॉर्मल यूज होती हैं, और कुछ ये न्यूट्रल कीबोर्ड कीज जो नॉर्मल हम विंडो यूज करने में यूज करते हैं। ओके मैं जो ये विंडोज की शॉर्टकट कीज है इसकी एक मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो नॉर्मल जैसे मैं एज ऑलवेज मैं बोलता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं नई नई वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीकेंड से मैं एक सीरीज और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टेक टॉक्स की, जिसमें कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया करूँगा, आपको जानकारी दिया करूँगा कि क्या टेक्नोलॉजी चल रही है या कोई कुछ नया इनोवेशन होता है तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाया करूँगा। ओके वो आप चैनल पर जाके मेरी प्लेलिस्ट, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो जैसे आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो वह चैनल पे अलग अलग टाइप प्लेलिस्ट होती हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर के बारे में जाने, तो कंप्यूटर के बारे में जाने प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सभी वीडियोज वहां से आप देख सकते हैं। ओके चलिए ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, साइनिंग ऑफ जेएम डेवलपर्स।